नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज अब 7 दिसंबर और दिन के 12:30 बज रहे हैं, यानी 12:20 हो रहे हैं, लाइव मार्केट ओपन है। इसमें हिंदकॉपर के अंदर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिला चार्ट पे और जो उसके न्यूज़ चल रही है, तो उसका इंपैक्ट मेरे को लगता है जो मैं टारगेट देने वाला हूँ उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको सारे टारगेट हिट होंगे। 10 से 15 दिन में सारे टारगेट हिट होंगे। डेफिनेटली आप इसको बाय रखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। चलिए इसके बारे में बात करते। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंपनी किस सेक्टर की है। गवर्नमेंट सेक्टर की वेंचर की कंपनी है, तो कंपनी किस गवर्नमेंट सेक्टर की पीएसयू कंपनी किस में काम करती है? कॉपर के अंदर, ठीक है, कॉपर यानी तांबे के अंदर। तो इनका बेसिकली किसके अंदर? तांबे के अंदर, खनन के अंदर इनका वर्किंग है सारा, ठीक है ना। ये मोटा मोटा ओवरव्यू समझ लिया आपने कि कंपनी का वर्किंग क्या है, का गवर्नमेंट के सेक्टर की कंपनी, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। कॉपर सेक्टर की कंपनी है, तो गवर्नमेंट खुद का वेंचर है ये, तो आप समझते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है, किस लेवल पर बाय करना है, किस लेवल पर एग्जिट करना, वो समझते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, आज के दिन ये क्या चल रहा है, तो अभी कंपनी कब से है ये 9 नवंबर 1967 से है, तो आज ये 7.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, नए हाईस की तरफ जा रहा है शेयर आज की डेट में। तो आज ये ओपन होता है 116.65 पे हाई मारा इसने, 123.45 का लो मारा है, 116.50 का 52 हाई है इसका, 196.75 का 52 लो है, 42.25 का। तो जब मैं इसमें कॉल देने की सोचा था, उस टाइम पे ये 120 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब मैं 4% के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जब मैं इसमें कॉल देना चाह रहा था, बट ये एकदम से बढ़ गया। अब मैं इसमें लगता है कि अब इसमें कॉल देनी चाहिए। देखिए, अभी बताते बताया फिर से ये आज का, फिर इसने हाई तोड़ दिया अपना, 123.70 पहुंच चुका है ये, ठीक है, आज पर 8% पहुंच चुका है ये। थोड़ी देर पहले हम वीडियो बना रहे थे 7% पे था, तो अब मैं जो टारगेट दूंगा डेफिनेटली स्ट्रिक्टली होल्ड करना आपको शेयर को, और बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका कैपिटल ग्रो होगी। तो इसने 5 दिन में अभी तक हमें रिटर्न दिया 6% के, 1 मंथ के अंदर अभी तक माइनस में, क्योंकि अभी चला ही नहीं था शेयर ये 1 मंथ से, 6 मंथ के अंदर अभी तक माइनस 23.92% दिया, और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 97% दिया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर। अब देखिए, मैंने एनएससी की साइड ओपन कर लिया, तो एनएससी टिप पे अभी तक 12 बजे तक इसमें, ये देखिए 7 दिसंबर 12 बजे तक इसमें 35% डिलीवरी उठा दी गई है इसके अंदर, होल्डिंग के अंदर 35% डिलीवरी उठा ली गई है इसके अंदर। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो इसके अंदर 66.14 इसके अंदर है प्रमोटर की, और पब्लिक की है 15%, और डीआईएस के 17%, और एफआईएस की है 1.07%, ठीक है ना। ये इसकी होल्डिंग है एफआईएस डीआईएस की इसके अंदर, तो होल्डिंग भी अच्छी है कंपनी का, मैनेजमेंट भी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की बस थोड़ा सा प्रमोटर अपने होल्डिंग कम करी है इस क्वार्टर में, ठीक है ना। 2 क्वार्टर से कंपनी अपने प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो एफआईएस डीआईएस की उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है, ये भी इंडिकेशन अच्छा है। अब हिंदुस्तान कॉपर का थोड़ा मोटा ओवर भी समझते हैं फाइनेंशियली थोड़ा सा, तो इसकी कंपनी का मार्केट कैप है 11,512 करोड़ रुपये का, स्टॉक पे 62.4 पे चल रही है, स्टॉक आरओसी थोड़ा सा कम है 66.35% है, आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% है, और बुक वैल्यू 17 रुपये की है, फेस वैल्यू 5 रुपये की है, और अभी तक डिविडेंड दिया कंपनी ने 0.29% का। कंपनी कर्जा मुफ्त है, कंपनी कर्जा का अच्छा दे रही है, कंपनी ने कर्जा कम किया अपना, कंपनी क्वार्टर वाला रिजल्ट अच्छे दे रही है, कंपनी ने अपना कर्जा देने के दिन कम किया, यानी कि 47 से घटा के 34 दिन पर पहुंची कंपनी, तो ये भी एक अच्छा सा इंडिकेशन है। अब देखिए, जो इसके सेल जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था वो है करोड़ के अंदर, तो इनकी सेल थी सितंबर क्वार्टर के अंदर 464 करोड़ की, क्योंकि जून क्वार्टर से भी डबल थी, यानी जून क्वार्टर के अंदर की सेल थी 268 करोड़ की, सितंबर ईयर वाइज देखेंगे तो उसमें सेल थी 295 करोड़ रुपये की, तो सेल में भी 2 गुना इजाफा देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला है, ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिली है आपको, ईपीएस भी ग्रोथ डबल हुआ है, सेल भी डबल हुई है, और नेट प्रॉफिट भी हुआ है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि भैया सितंबर क्वार्टर के अंदर से रिजल्ट आया काफ़ी अच्छे हैं, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी कंपनी का मैनेजमेंट का जो इनका सेल था कॉपर की डिमांड बढ़ी है, तो कॉपर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग इनके सेल में इजाफा देखने को मिला, तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी, तो डेफिनेटली इसके सेल में भी अच्छा खासा इजाफा मिला, तो इसके शेयर के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टर टू के अंदर इन्होंने सितंबर क्वार्टर टू 2021 के अंदर जो रिजल्ट है इनका क्वार्टर टू का, इसके अंदर इनके सेल में भी ग्रोथ देखने को मिली 2 गुना ईयर वाई भी और क्वार्टर क्वार्टर वाई भी, और वहीं इनके प्रॉफिट में भी ईयर वाई भी ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर वाई भी, वहीं इनके ईपीएस में भी ईयर वाई भी ग्रोथ देखने को मिली। देखिए, सितंबर 2020 के अंदर ईपीएस था 0.10 और जून 2021 के अंदर था इनका 0.47 और सितंबर के अंदर था 0.70, ये भी देखिए 2 गुना हुआ है,
तो अब समझ सकते हैं चल के इसका चार्ट को देंगे। ये देखिए आज मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, तो डेली चार्ट पे देखिए ये जो मूवमेंट बन रहा है आज के दिन पे, इतने वॉल्यूम के साथ इसके अंदर ट्रेड की जा रही है। देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम की कैंडल बनी है और कितनी बेरिश कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है इसके अंदर, सॉरी। तो ये बुलिश कैंडल जो ट्रेड हो रही है आज के दिन पे, देखिए जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से बाय करते करते बुलिश कैंडल बन रही है और इसमें अब करेक्टिव मूवमेंट और बनता जा रहा है, बुलिश कैंडल बनती जा रही है। क्योंकि जो मेरा पहला टारगेट था शायद वो टारगेट भी हिट हो गया, क्योंकि मैं इसमें 125 का टारगेट देने वाला था, तो इसने 125 का हाई मारने को तैयार बैठा हुआ इस टाइम पे। तो ये देखिए ये आज जो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 115 रुपये का। कितने का स्टॉप लॉस रखेंगे हम? 115 रुपये का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बुलिश के यहाँ पे कोई शेडो नहीं आई है नीचे, सीधा जहाँ से ओपन हो वहीं से इसमें तेजी के साथ इसमें बाइंग हो गई, स्टार्ट हो गई और हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो रही है। इसका देखिए RSI भी 55 से अबव चाह चुका है, MACD पे ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा जूम करूँगा आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब डेफिनेटली इसमें अब ट्रेंडिंग दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए अपने यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 12 डेज के हाइस पे भी ट्रेड पहुँच चुका है इस टाइम पे। तो इस लेवल पे सपोर्ट ले ली इसने, तो इसमें जो मेरा पहला टारगेट आएगा, मेरा है इसमें 130 रुपये का। तीन टारगेट ले लूँगा, तीनों टारगेट डेफिनेटली हिट होंगे, क्योंकि 130 के बाद जब इस कैंडल के अंदर आएगा, इस कैंडल्स के अंदर आएगा शेयर, तो डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी। तो पहले यहीं से भी हमें 116 का स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट है 130 का। जैसे ही इस पहले टारगेट को पार करेगा दूसरा टारगेट आएगा 135 का और तीसरा टारगेट आएगा 139 रुपये का, ठीक है ना। तीन टारगेट बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए, तो 116 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो पहला टारगेट आएगा 130 का, दूसरा टारगेट आएगा शायद आज के दिन ही 130 आ जाए, दूसरा टारगेट 135 का, तीसरा टारगेट 139 का। तीन टारगेट बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए, क्योंकि इसके जो इंडिकेशन है देखिए जिस तरह से डाउनफॉल होता उस तरह से रिकवरी भी कर रहा भी है इसने। एक ही दिन में जो इसकी गिरावट थी यानी 10-15 दिन की गिरावट के एक ही दिन में कवर कर दी आज के दिन में इसने। तो गिरावट को एक ही दिन में कवर करने का मतलब इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग, उसके अंदर जो न्यूज़ चले उसका इंपैक्ट इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 15-20 दिन में तीनों टारगेट हिट होंगे डेफिनेटली आपको, आपको 116 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, पहला टारगेट 130 का, दूसरा टारगेट 135 का, तीसरा टारगेट 139 रुपये, तीन टारगेट बाय करें, पैसा होल्ड रखें। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।